हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नोटिफिकेशन आया है ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो 16 जुलाई 2021 को रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाई पोस्ट फॉर एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे जो सेशन 2021 to 2022 है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ लाइक सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पे क्लियरली मैंसन कर रखे हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिंदी, उड़िया, ज्योग्राफी, इसके अलावा यहाँ पे पेडागोजी और फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, एजुकेशन, सबके लिए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो भी क्लियरली मैंसन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें बॉटनी की, तो यहाँ बॉटनी में 2 वैकेंसीज हैं, जूलॉजी में 2 है, ऐसे करके यहाँ पे जो है सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पे ग्रेड आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे 45,000 पर मंथ जो है आपको पे ग्रेड दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट रहेगी एज पर UGC और NCERT या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, होंगे आप यानी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको। और उसके अगर आपका ये शॉर्टलिस्ट वाला जो क्राइटेरिया वो आपका रहेगा कि अगर आप जो है सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आपको बताइए, इसका जो ऑफिशियल लाइक वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको यहाँ पे ईमेल करके भी बताया जाएगा। अब ईमेल इसलिए किया जाएगा कि आपको यहाँ पे जो भी इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो बाई मेल जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका जो है इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप जो है RIE भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सारा पता चल जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका PG डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो CSIR हो, UGC हो, वो आपका नेट जो है क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर आपका क्लियर है तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अपना PhD जो है 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे नेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका जो मास्टर डिग्री में, मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपका यहाँ पे नेट स्लेट या सेट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये RIE यानी कि भुवनेश्वर है, तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे अगर आपका BEd या MEd या इक्विवेलेंट डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास BEd या MEd है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसके अलावा देखिए, अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको मेल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपका शेड्यूल दिया जाएगा और उस शेड्यूल पे जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो भी आपका CV या रिज्यूम है, उसके अलावा जो आपका जो रिक्वायर्ड या बोल सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको आपको सेंड कर देना, उसका हार्ड कॉपी सेंड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए आपकी मार्कशीट की, सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद योर बायोडाटा, ठीक है। और आपको सेंड कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर, 751022, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 30 जुलाई से पहले जो है आपका जो लाइक हार्ड कॉपी होना चाहिए आपका लाइक एप्लीकेशन फॉर्म का और आपका बायोडाटा का अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये शुड रीच टू दिस एड्रेस, ठीक है। तो इसके अलावा आप अपना एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन और सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियरली जो है मैंसन कर दिएगा, और ये पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो मैं आपको बता दूँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये जो है परमानेंट जॉब अभी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है तो आपको मे बी आपका आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अच्छे से आप अपना एप्लीकेशन को जो है सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही सेंड करिएगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, ऑल इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे कुछ दे रखा है कि अगर आप SC ST
कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी TA/DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मे भी आपका जो इंटरव्यू हो वो भी ऑनलाइन भी हो सकता है और वो ऑफलाइन भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है RIE भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिएगा, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपको मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।